गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज किस क्लास में हम 19th दिसंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इन शॉर्ट SCO बोला जाता है, इज लोकेटेड इन। द फर्स्ट ऑप्शन इज ईरान, द सेकेंड ऑप्शन इज रशिया, उसके बाद है थर्ड ऑप्शन चाइना, एंड देन है कजाकिस्तान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों न्यूज में थी, क्योंकि रिसेंटली इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के साथ, जो कि SCO के अंडर है। किसके लिए? टेररिज्म, आतंकवाद को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और एक्सट्रीमिज्म को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज को और इंटरनेट को यूज करके। सो जो रैट्स है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसके हेडक्वार्टर्स है उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। ये परमानेंट ऑर्गन है SCO का, जो कि जो मेंबर स्टेट्स हैं SCO के उनको कोऑपरेशन करने के लिए प्रमोट करता है। किसके किस फील्ड में कोऑपरेट करने का? टेररिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया। SCO जो है ये 2001 में स्थापित हुआ था, जिसका सेक्रेटेरिएट है चाइना के बीजिंग में और एग्जीक्यूटिव कमेटी RETS की है ताशकेंत में। मेंबर्स की बात करें, SCO के मेंबर्स हैं चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज चाइना। और जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए, मेंबर नेशंस, हेडक्वार्टर, हर चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2023 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। जो लीड्स रिपोर्ट है, जिसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023 रिपोर्ट, किसने रिलीज की है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लीड्स है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023 रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये रिलीज करती है। लीड्स जो है ये फोकस करती है जो लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम है, जो अलग अलग राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको असेस करती है कि क्या लेवल है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी। लीड्स जो है ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक का, उसी के नक्शे कदम पर ये जो है डिजाइन किया गया था 2018 में। 2023 का जो LPI है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें इंडिया का 38th रैंक है आउट ऑफ 139 कंट्रीज। और जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस है उसके तीन पिलर्स हैं, एक तो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री अप्रूव्ड फर्स्ट क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपीज टू ट्रीट पेशेंट्स विद सिकल सेल डिजीज। रिसेंटली कौन से देश ने फर्स्ट क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपीज जो है वो अप्रूव की है, जो भी पेशेंट है सिकल सेल डिजीज के उनको ट्रीट करने के लिए? ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी है चाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी जो है जो सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स को ट्रीट करती है वो किसने अप्रूव की है? USA ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो नाम है जो जीन थेरेपीज अप्रूव हुई है कौन सी है, एक तो है कैसगेवी और दूसरा है लिफजीनिया। ये दो थेरेपीज हैं जो कि सिकल सेल डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव हुई है। सिकल सेल डिजीज क्या है? एक ब्लड खून का एक डिसऑर्डर होता है जो कि जिसकी वजह से आपकी प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है। तो ये इनहेरिट होता है, जीन्स के थ्रू होता है। पेशेंट्स जो है 12 साल की एज के हैं, उससे ज्यादा है, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा इन थेरेपीज से। कैसके भी ये है, ये यूनाइटेड किंगडम UK ने भी अप्रूव की थी सिकल सेल डिजीज या और बीटा थैलेसीमिया को ट्रीट करने के लिए। बीटा थैलेसीमिया भी एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को कम करता है। क्रिस्पर कैस 9 जो है ये यूज किया जाता है जीन फंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए, जेनेटिक कोड को चेंज करने के लिए और DNA को एडिट करने के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशंस पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज USA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काकरापार 4 न्यूक्लियर रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया।
काकरा पार 4 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काकरा पार 4 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि वहां पर क्रिटिकैलिटी अटेन हो गई है। क्रिटिकैलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशंस में जहां पर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, एटम में क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फिजन रिएक्शन से प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सफिशियंट होते हैं कि वो अब आगे सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सके, खुद से ही चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सके जिनको बाहर से कोई हेल्प नहीं चाहिए। काकरा पार जो है ये गुजरात में लोकेटेड है और ये सबसे बड़ा इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। इंडिजीनियस होता है जो भारत में ही बना है, जो कि बनाया किसने है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर ऑप्शन बी दैट इज गुजरात। आपके लिए क्वेश्चन है कि और कौन कौन से फेमस न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया में और कहां कहां पे हैं वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैसिनी मिशन वाज लॉन्च्ड बाय, कैसिनी मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है CSA, ऑप्शन डी है जैक्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसिनी मिशन जो है ये 1997 में लॉन्च हुआ था, लेकिन रिसेंटली क्यों न्यूज में था, एक नई स्टडी जो है वो नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को जो वहां से डेटा ऑब्टेन हुआ था उस डेटा के बेस्ड एक नई स्टडी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने सैटर्न के, शनि के जो आइसी मून है जिसका नाम है, शनि का जो चंद्रमा है जिसका नाम है एनसिलेडस, वहां पर हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो वहां पर ढूंढी है। कैसिनी की अगर बात करें ये इसीलिए डिजाइन किया गया था सैटर्न के सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए, सैटर्न की जो रिंग्स है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, सैटर्न के मून्स को एक्सप्लोर करने के लिए, और जो सैटर्न का मून है सबसे बड़ा वो है टाइटन, उसको स्पेशल फोकस दिया गया था। ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और इटालियन स्पेस एजेंसी यानी कि ASI, इनका जॉइंट एंडेवियर है, तीनों ने मिलकर ये डेवलप किया। लेकिन क्योंकि इसमें अकेला नासा का नाम है तो आप ऑप्शन लगाओगे, आंसर लगाओगे नासा, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन जो आपको अवेलेबल होती है आपको वो आंसर करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टॉप इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन से राज्य ने टॉप किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात एंड ऑप्शन डी है केरला। यहाँ पर आप देख सकते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो है ये पहली बार, फर्स्ट टाइम पैरा गेम्स हुई है खेलो इंडिया में। कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में, जिसमें हरियाणा राज्य जो है, हरियाणा स्टेट है, वो ओवरऑल चैंपियन बनी है, जिसने टोटल 105 मेडल्स जीते हैं जिसमें से 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज हरियाणा, क्योंकि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का फर्स्ट एडिशन हुआ था तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू हैव मैसिव ग्रीन सिटी अलोंग असम बॉर्डर, जो असम है, असम है, उसके बॉर्डर के अलोंग कौन से देश ने डिसाइड किया है कि वहां पर एक बहुत बड़ी ग्रीन सिटी जो है एस्टैब्लिश करेंगे? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान एंड ऑप्शन डी है म्यांमार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूटान ने ये डिसाइड किया है कि मैसिव ग्रीन सिटी जो है ये वहां पर सेट करेंगे असम के बॉर्डर के पास। भूटान का प्लान है कि मैसिव इंटरनेशनल सिटी जो है वो बनाएंगे 1000 square kilometers के एरिया से ज्यादा, जिसका बॉर्डर असम के साथ तो लगेगा। भूटान के जो किंग हैं जिगम खेसर, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है, वो इंडिया में भी आए थे, और ये जो ग्रीन सिटी है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी, सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करेगी एज अ गोल, और इसका एम होगा कि क्वालिटी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगी स्पेशल स्क्रीन्ड इंटरनेशनल कंपनी से। तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन किया गया है, किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दैट इज भूटान। ऐसी जो एग्जाम्पल्स हैं आप अपने क्वेश्चंस में जो है कोट भी कर सकते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का हो, जहां पर इंडिया भूटान की बात हो, तो मल्टीपल जगह पर ऐसी एग्जाम्पल्स कोट हो सकती हैं। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।